परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ये हमारा कर्तव्य है, सिर्फ नाचना झूमना या पैसे खर्च करना या पट्टी पे नाम लिखाना ये धर्म बड़ा नहीं है। हमारे तीर्थों की रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म हमारा है। इसलिए अभी सभी साधु साध्वी भगवंतों ने एक होकर के ये निर्णय लिया है कि पालीतना जो भी जाएगा, कई बार क्या होता है हम यात्रा नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, डोली का इस्तेमाल करते हैं, डोली में बैठ के जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है, साधु साधी भगवंतों ने कहा है, ये कहा है, अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तलेटी पे दर्शन कर लेना, वहीं पूजन कर लेना, लेकिन डोली का उपयोग करके ऊपर मत जाना। दूसरी बात, खाना पीना रहना वगैरह हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हम यहाँ पर हर प्रकार से मौज आनंद करते ही हैं। हम यात्रा करने इसलिए जाते हैं ताकि पाप जो हमारी आत्मा में लगे हुए हैं वो धुले और जल्दी हमें मोक्ष मिले। खाने पीने के लिए नहीं, यात्रा करने के लिए जाते हैं। और जो भी अगर जैन है और अपने आप को जैन मानता है और जो परमात्मा से प्यार करता है, जो तीर्थ बचाने में रक्षा करना चाहता है, तो एक संकल्प ले लेना, पालीतना जाएंगे, चाहे भूख से मरे, किसी भी कंडीशन से मरे, चाय भी नहीं पियेंगे, पानी भी नहीं पियेंगे, हाँ, किसी भी प्रकार की खरीदी हम नहीं करेंगे। अगर ये निर्णय ले लिया तो वहां के जो लोग हैं जो हमारे साधु साधियों को परेशान कर रहे हैं, हमारे जो जैन भाई यात्री की यात्रा करने जाते हैं उनको परेशान करते हैं, पालीतना को जला देंगे, यात्रा करने वालों को डराते हैं, उनको बता दो हम जैन हैं, हम अहिंसा को मानते हैं, हमारे भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया, इसलिए हम हिंसा करना नहीं चाहते, लेकिन हम कायर। कौन कौन मेरी बात से सहमत है हाथ पकड़ के बता दो। और ये लोग, अगर आज इतने लोग सहमत हैं, आप सिर्फ इतना ही करना, ये कि ये बात जो मैंने आपको बोली है सिर्फ 5 जैन तक पहुंचा देना। एक व्यक्ति अगर 5 जैन तक पहुंचाएगा कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। और मेरा चैलेंज दावा है, यहाँ पे चढ़ावा कितने में गया, कितने में जाए, कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा कम होगा तो हमारा शेरा प्रांत वाले सब मजबूत है, सब हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम भी अगर इस टूर्नामेंट से हो गया तो मैं मानता हूँ JSP का ये टूर्नामेंट सक्सेस हो जाएगा। जय हो, सभी ध्यान रखें। चलिए, 5,11,111।